हिंडौन सिटी के मोहन नगर में एक धर्मगुरु पर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने आरोपी धर्मगुरु के खिलाफ नई मंडी थाने में डराकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी के बाद डीआईजी लक्ष्मण गौड़, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेरीवाल, पुलिस उप अधीक्षक शोरामल मीना मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य भी जुटाए, जहां जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेरीवाल ने बताया कि मोहनगर हिंडौन के निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि उसकी माँ, पत्नी और भाभी धर्मगुरु के दर्शन करने गई, जहां पर धर्मगुरु ने पहले भाभी को अभिमंत्रित नारियल और आशीर्वाद लेने के बहाने छेड़खानी की और उसके बाद में अन्य महिला को अनिष्ट का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धर्मगुरु को हिरासत में ले लिया है और पीड़ितों का फिलहाल परीक्षण भी करवाया जा रहा है। आके नहीं आते रहते, जाते रहते। कुछ दिन पहले मामी जी आए हुए थे, दो तीन दिन पहले इंदौन आए थे, तो जो इनकी जो क्रिया होती है बिहार पे चलते रहते हैं, उसी हिसाब से ये यहाँ आए हुए थे और आगे जाने वाले थे। एलिगेशन लगाए हैं, जांच चल रही है, पीड़िता का मेडिकल हो चुका है, बयान चल रहे हैं, जैसी भी कार्रवाई आगे आएगी।